23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का शहादत दिवस पूरे देश में मनाया जाएगा और इसमें खास करके युवाओं को हिस्सा लेने के लिए जरूर आना चाहिए। 26 मार्च को पूरे देश में मुकम्मल बंद की कॉल दी गई है। ये मुकम्मल बंद सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक होगा। मैं डॉक्टर दर्शनपाल संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आपको ये बताना चाहता हूँ कि संयुक्त किसान मोर्चा ने जो पिछली मीटिंग में फैसले लिए थे वो पूरे देशवासियों को उनको लागू करना है, इम्प्लीमेंट करना है। उनमें जो मेन फैसले हैं वो तो कुछ तो इम्प्लीमेंट हो गए हैं और कुछ इस तरह है कि 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का शहादत दिवस पूरे देश में मनाया जाएगा और इसमें खास करके युवाओं को हिस्सा लेने के लिए जरूर आना चाहिए। और जहां उसके जन्म स्थान खटकड़ कला में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, वहीं दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर बैठे लोगों के साथ युवाओं ने आके मिलना है और युवाओं का ही मुख्य प्रोग्राम होगा वो। उसके बाद 26 मार्च को पूरे देश में मुकम्मल बंद की कॉल दी गई है। ये मुकम्मल बंद सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक होगा और इसमें हर तरह की सेवाएं जो हैं वो बंद रहेंगी। वो बाजार, मार्केट्स, ट्रांसपोर्ट, रेल और हर तरह की जो सेवाएं बंद रहने के लिए मैं अपील करता हूं कि सारे देश के किसान आंदोलन में जुड़े हुए किसान संगठन और वो जन संगठन को अपील करता हूं कि अपने अपने प्रांत में, अपनी अपनी राजधानी और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में, तहसील हेडक्वार्टर्स में तैयारी के लिए अपनी बैठक्स करो और 26 को मुकम्मल बंद किसानों के पक्ष में संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल पर करो। उसके बाद 27 तारीख को होली वाले दिन पूरे देश में होली में तीनों कानूनों को जलाया जाएगा, दहन किया जाएगा और उसकी कॉल जो हम देते हैं तीनों कानून की कॉपियां लेके उसको होली में जलाओ। 28 तारीख को पंजाब में आनंदपुर साहब में, जहां बहुत बड़ा होला मोहल्ला होता है, वहां एक लाखों की शमूलियत वाली किसानों की बहुत बड़ी किसान पंचायत होगी और इसके साथ ही जो किसान पंचायतें पूरे देश में हो रही हैं, किसान कन्वेंशंस हो रही हैं, उसको भी कामयाब किया जाए। और साथ ही मैं ये आपको एक आह्वान करता हूं कि अपने अपने प्रांत में संयुक्त किसान मोर्चा को कामयाब करने के लिए किसानों के साथ साथ बाकी संगठन मिलके बैठकें करें और आपस में तालमेल करके संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से लड़े जा रहे इस संघर्ष को कामयाब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। नमस्कार।